Om Shanti. कला संस्कृति प्रभाग के अंतर्गत आपने कई विषयों पर बहुत सुंदर बातें सुनी. अभी का जो विषय है ये है समय की गुह्य गति, काल चक्र की गुह्य गति. दुनिया में दो बातों की गुह्य गति मानी गई है, एक समय की गुह्य गति, दूसरी कर्मों की गुह्य गति. दोनों की गुह्य गति को जब तक मनुष्य समझ नहीं पाता तब तक उसके मन के अंदर कई प्रकार के सवाल बने रहते हैं. ऐसा क्यों होता है, दुख संसार में क्यों आता है, मनुष्य जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों होती है, ऐसे अनेक प्रकार के सवाल. और जब इन सवालों का जवाब नहीं मिलता है, खास करके एक सवाल मनुष्य के मन में जरूर उत्पन्न होता रहता है समय प्रति समय कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. हमने किसी का बिगाड़ा नहीं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है. ऐसे कई प्रकार के सवालों का जवाब जब नहीं मिलता है तब जीवन के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, तनाव बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता. कई लोग यही कहते हैं समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है. समय के विषय में बहुत सी बातें कही हुई है. किसी ने कहा समय हमसे समय प्रति समय एक प्रतिउत्तर की मांग करता है, और वो प्रतिउत्तर की मांग भी करने से पहले एक संकेत देता है. उस संकेत को समझना होता है, समय का संकेत क्या है. और जो समय के संकेत को समझ लेता है और उस अनुसार प्रतिउत्तर देता है, समय उसको जीवन में आगे बढ़ा देता है. परंतु जो समय के संकेत को समझ नहीं पाते हैं और उसके विपरीत दिशा में चलते हैं तो समय बड़ा कठोर हो जाता है. इसलिए कहा जाता है इफ यू कैनॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज. And that will be a painful process. अगर समय के संकेत को नहीं समझा और परिवर्तन को नहीं अपनाया गया तो समय हमें मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए, और वो समय बड़ा दर्दनाक होता है. क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं, समय की मजबूरी है, करना पड़ता है, तो वो समय दर्दनाक है. तो ये समय हमसे क्या चाहता है? समय परिवर्तनशील है, हर वक्त हर घड़ी परिवर्तन होता चला जा रहा है. समय हमसे भी एक परिवर्तन की ही मांग करता है. लेकिन ये परिवर्तन कैसे करना है उसको समझना है, क्योंकि अगर इसको नहीं समझा गया तो समय को दूसरे शब्द में काल भी कहा जाता है. वो काल तो क्या, महाकाल का रूप भी धारण कर लेता है. और इसीलिए कई बार कई लोगों को समझाने पर भी जब नहीं समझते हैं तो बुजुर्ग यही कहते हैं कि समय की पछाड़े खाएगा, अपने आप समझने लगेगा. ये समझाने से नहीं सुधर पाएगा, समय की थपेड़े खाएगा तो अपने आप सुधर जाएगा. नहीं तो समय का पंछी उड़ता जाता है, वो हाथ तो किसी के आता नहीं. और समय बीत जाने के बाद अगर होश भी आया तो कोई काम का नहीं. इसलिए कहते हैं समय के साथ इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है. तभी कहा परिवर्तन कुदरत का नियम है.
परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा, और इसीलिए समय हमसे भी एक परिवर्तन की ही मांग करता है। ये समय एक चक्र में चलता है। संसार के अंदर जितने भी बने हुए चक्र है नित्य चलते रहते हैं, कोई चक्र की आदि या अंत नहीं है, चक्र माना ही जो नित्य चलता है। इस समय के चक्र के अंदर जितने भी चक्र बने हुए हैं वो भी नित्य चलते हैं। दिन और रात का चक्र देखो, नित्य चलता है। ऋतुओं का चक्र देखो, नित्य चलता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र देखो, वो भी नित्य चलता है। कुदरत की साइकिल को देखे, पानी वैपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल बरसते हैं, फिर वो पानी समुद्र में जाकर के मिल जाता है, ये चक्र भी चलता ही रहता है। ऐसे ये काल चक्र भी नित्य चलता रहता है। हर चक्र के अंदर चार स्टेजेस होती है, जिसमें से उसको पास होना पड़ता है। जैसे दिन और रात की भी चार अवस्था है, सुबह दोपहर शाम रात्रि, रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ऋतुओं के चक्र में भी चार अवस्था है, ग्रीष्म बरसात शीतकाल वसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म के चक्र में भी चार अवस्था है, बचपन युवा गृहस्थ वृद्ध। इसी तरह ये काल चक्र में भी चार अवस्था है, जिसको कहा जाता है सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है। कई सोचते हैं कितना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा, कोई मनुष्य का काम नहीं है। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, भोर कब निकल आती है पता भी नहीं चलता है। कुदरत की रचना में ऐसी सेटिंग है कि ग्रेजुअल परिवर्तन, और वो घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में बदल जाती है। इस तरह घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी, कोई चाहे या ना चाहे, परिवर्तन कुदरत का नियम है, परिवर्तन होना ही है। और इस तरह से ग्रेजुअल चेंज कलयुग से सतयुग की ओर बदल जाता है। लेकिन हर चक्र की एक अवधि है, एक ड्यूरेशन पीरियड है, जिसके अंदर ही उसको वो साइकिल कंप्लीट करना होता है। जिस तरह दिन और रात के चक्र की अवधि है 24 घंटा, उसी में सारा चक्र घूम जाता है। ऋतुओं के चक्र की अवधि है एक साल, उसी में वो चक्र घूम जाता है। इसी तरह ये काल चक्र की अवधि है 5000 साल। 24 घंटे वाला चक्र तो आंखों के सामने से गुजरता है, दिखाई देता है। ऋतुओं के चक्र का एक साल भी आंखों के सामने से गुजरता है, दिखाई देता है। लेकिन जब ये 5000 साल की बात आती है, वो एक लाइफ के अंदर दिखाई नहीं देता। इसलिए कई प्रकार के सवाल मन के अंदर आ जाते हैं, 5000 कहाँ से आया, किसने कहा, कहाँ लिखा हुआ है, क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि 5000 साल का चक्र है। वैसे देखा जाए तो प्रूफ किसी बात का नहीं है। ये 24 घंटे कहाँ से आए, उसका कोई प्रूफ है? 60 सेकंड की एक मिनट बनी, 60 मिनट का एक घंटा बना, और इस तरह से 24 घंटे में ये दिन और रात के चक्र को बांट दिया। अगर 100 सेकंड की मिनट बनाते थे, 100 मिनट का एक घंटा बनाते थे, तो चलता था या नहीं चलता था? चलता ही था।
ड्यूरेशन कम हो जाता था, 24 घंटे के बदले कम हो जाते थे, लेकिन ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था। चाहे उसको 24 घंटे में बांटो, 20 घंटे में बांटो या 25 घंटे में बांटो, वो तो कम जास्ती होने वाला नहीं था। लेकिन कभी हमने सवाल पूछा कि 24 घंटा ही क्यों, 20 घंटा क्यों नहीं, 60 सेकंड ही क्यों, 100 सेकंड क्यों नहीं? कभी नहीं स्वीकार कर लिया। तो 24 घंटे का कोई सबूत नहीं है, 60 सेकंड किसने लाया, किस बेसिस पर लाया, उसका कभी प्रूफ नहीं मांगा, स्वीकार कर लिया और जीवन को सेट कर दिया। इसी तरह ऋतुओं का चक्र, एक साल, साल का चक्र कितने दिन का है? 365 दिन का। किसने कहा? मॉडर्न साइंस ने कहा 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को चक्कर लगाने में, और हमने स्वीकार कर लिया और इस तरह से पूरा इंग्लिश कैलेंडर बन गया जनवरी से दिसंबर तक, और सारी दुनिया ने उसको स्वीकार कर दिया। कभी कोई सबूत मांगा? और वो इंग्लिश कैलेंडर पर सारा कारोबार चलाते हैं। अगर हिंदू कैलेंडर को देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर भी एक साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस, जब भारत ने विश्व को जीरो दिया था कैलकुलेट करने के लिए, अगर भारत जीरो देता ही नहीं था तो मॉडर्न साइंस भी कहां से डेवलप होता था? उस जमाने का साइंस। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो साल में कितने दिन है? हाँ, 3 साल के बाद अगर अधिक मास, एक पूरा मास बढ़ जाता है तो साल में कितने दिन होते हैं? 300 कैलेंडर में कितने दिन है नहीं मालूम, 354 दिन। अब 354 सही या 365 सही? दोनों सही है। दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर, अपना त्योहार मुहूर्त जो निकालना है हिंदू कैलेंडर पर, है ना? दोनों कैलेंडर लेकर के चल रहे हैं। सही कौन सा है मालूम नहीं, दोनों ही एक साइंस पर बना हुआ है। कभी किसी ने सबूत मांगा? कोई सबूत नहीं मांगा कि इतना दिन का डिफरेंस कैसे हो गया। 1-2 दिन का हो सकता है, इतने दिनों का डिफरेंस कैसे हो गया? और आज भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब अमावस्या और पूर्णमासी बताते हैं तो पूरा समुद्र का पानी उछलता है, इतना एक्यूरेट चलता है। लेकिन फिर भी ये तो नहीं कहा कि इंग्लिश कैलेंडर सही है, मॉडर्न साइंस सही है, इसलिए हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो। और ये भी नहीं कहा कि हिंदू कैलेंडर सही है तो इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो। कोई सबूत नहीं मांगा, दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। 24 घंटे का कोई सबूत नहीं, 60 सेकंड कहाँ से आए उसका कोई सबूत नहीं, 365 सही है, 354 सही, उसका कोई सबूत नहीं, और 5000 का सबूत चाहिए। जो आंखों से दिखता है उसका सबूत नहीं है, उसको स्वीकार कर सकते हैं तो 5000 को क्यों नहीं? वैसे 5000 का सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है? भारत के शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए, हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार, तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? 5000 साल। और उस महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया, है ना? तो आज घर घर में क्या होता है, महाभारत चलता है या नहीं चलता है? चलता ही है।
तो महाभारत काल पुनः आ गया ना। महाभारत में जो वर्णवित पात्र है, शकुनी जैसे पात्र आज के समाज में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? हाँ, महाभारत में तो एक ही शकुनी था, आज के दुनिया में हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा, है ना, उससे भी ज्यादा है। दुर्योधन जैसे पात्र, दुर्योधन जिसने धन का दुरुपयोग किया, ऐसे बच्चे आज के समाज में है या नहीं है? है, बहुत है। दुशासन जैसे पात्र आज के समाज में है या नहीं है? तो महाभारत काल पुनः आ गया ना। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात है कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है, और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय आ रहा है, हो गया 5000 साल। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहते क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ, 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणियों के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम, तो हो गया 5000 साल। मायन कैलेंडर के हिसाब से भी उनका चक्र है ही 5000 साल का, तो 5000 का वर्णन हर धर्म में किया गया है। कई लोग कहते हैं अरे शास्त्रों में तो लिखा है लाखों साल का एक एक युग है, और आप कहते 5000 साल में सारा चक्र घूम जाता है, कैसे हो सकता है? हम उनको एक ही बात पूछते, लाखों साल का एक एक युग है उसका कोई सबूत है? कैसे मान लिया बिना सबूत के लाखों साल का एक एक युग है? 5000 का तो सबूत है ना हमारे पास में, सभी धर्म के हिसाब से सबूत है। तो इसीलिए जब सभी धर्म एक बात कह रहे हैं तो 5000 साल का एक चक्र जिसमें चारों युग सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, ये चक्र कैसे चलता है उसको दिखाया गया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर किसी से भी पूछा जाए कि स्वास्तिका का अर्थ क्या है तो क्या कहेंगे? एक शुभ की निशानी है, या कहेंगे हमारे पूर्वज करते हैं इसलिए करना है। लेकिन यही निशानी क्यों है स्वास्तिका की? स्वास्तिका निशान भी हर धर्म के अंदर अलग अलग रूप में दिखाया गया है। हिंदू धर्म में भी है, इस्लाम धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, क्रिश्चियन धर्म में क्रॉस के रूप में दिखाया है। चार भाग हैं और चार भाग माना सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, 5000 साल का चक्र है तो हर युग 1250 साल का, और इसीलिए इसको शुभ की निशानी मानी गई है, क्योंकि स्वास्ति का शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से निकला है। सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है, यानी ये काल चक्र सदा ही शुभ है, इसकी कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। इसीलिए गीता के सार में ये बात लिखी हुई है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा, तुम निश्चिंत रहो, तीनों घड़ी अच्छी है, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। जो बीत चुकी वो भी अच्छी, जो चल रही है वो भी अच्छी, और जो आने वाली है वो भी बहुत अच्छी। और इसीलिए हर शुभ कार्य पर स्वास्तिका का निशान निकालते हैं कि ये घड़ी भी शुभ है, डू नॉट डाउट, कि पता नहीं ये सही है या नहीं है, ये घड़ी अच्छी है या बुरी है, डोंट डाउट, संशय नहीं लाओ,
ये घड़ी भी शुभ है, बुरा कुछ है ही नहीं, ये समय का चक्र पूरा ही शुभ है। इसलिए हर शुभ कार्य पर स्वास्तिका निकालते हैं और इसीलिए उसको शुभ की निशानी श्री गणेश कहते हैं कि इसी से ही कार्य आरंभ करो, इसी विचारधारा से कि जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा, जो हुआ वो भी बहुत अच्छा, जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा और जो आने वाला है वो भी बहुत अच्छा। लेकिन तब कई बार कई लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं कई घटनाएं तो ऐसी होती है जिसको देख करके लगता है बहुत बुरा हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसको अच्छा कैसे समझे। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई थे, उनके पैरों में कार एक्सीडेंट हुआ तो दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। हॉस्पिटल में थे, जब हमें पता चला तो हम मिलने गए। अब जाएंगे तो क्या कहेंगे, कुछ सहानुभूति के ही शब्द कहेंगे। तो जब हमने देखा उनको तो हमने कहा भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ये बात कही भाई को बड़ा गुस्सा आया, भगवान का नाम नहीं लो मेरे सामने, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है। बड़ा आश्चर्य लग रहा था क्योंकि कोई नास्तिक नहीं था, भगवान में आस्था रखने वाले उनके मुख से ऐसी बातें निकल रही थी। आखिर हमें महसूस होने लगा कि जितना ज़्यादा देर यहाँ खड़ा रहेंगे ये भाई का गुस्सा बढ़ता जाएगा, तो बेटर है हम बाहर निकल जाए। तो हम बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए तो उनकी पत्नी ने देखा, वो आकर कहने लगी बहन जी कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो आप क्षमा कर देना। मैंने कहा कि इतना अच्छा भाई, भगवान में आस्था रखने वाला, एक एक्सीडेंट क्या हुआ, वो तो कल ठीक हो जाएंगे, फिर इतना भगवान के नाम से क्यों गुस्सा हो रहे हैं कि भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करते हैं। बार बार एक ही सवाल कर रहा था, बहन जी मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब वो तो हम क्या जाने, लेकिन जीवन तो बच गई, ये तो शुक्र करो। लेकिन ये बात उसको हजम नहीं हो रही थी। तो उसकी पत्नी ने कहा कैसी बात नहीं है, क्या बात है फिर। तब उसने बताया कि वो एक कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था और हमेशा समाज के लिए बहुत अच्छा काम करता था, वो सभी जानते थे उसको। कोई भी उसके पास किसी भी तरह की मदद मांगने चला जाता था वो हमेशा उसको मदद करता था, अच्छे अच्छे समाज सेवा के प्रोजेक्ट्स चलाता था। अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है और जब टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती है जहां सारी दुनिया के गवर्नर्स इकट्ठे होते हैं और उसको भी उस गैदरिंग में जाना था और वहां उसका सम्मान होना था, अवार्ड मिलना था उसको, क्योंकि उसने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया था। अब 10 दिन पहले उसको ये एक्सीडेंट हो गया। अब 10 दिन में तो ठीक होके नहीं जा सकता है, तो इसीलिए जब उसके सामने वो सारी बात आती थी, अरे इतने बड़े बड़े लोग वहां आएंगे, उन सब के बीच में मेरा सम्मान होता था, मुझे अवार्ड मिलता था, मेरा फोटो निकलता था, वहां से जब मैं वापस आता था तो यहां मुझे कैसे रिसीव किया जाता था, अब कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो ये बात हजम नहीं हो रही। और इसीलिए कहता है कि मैंने कर्म किया, फल लेने का समय आया, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे हाथ से फल क्यों छीन लिया, बार बार मेरे लिए ये ओकेजन तो आने वाला नहीं है। अब उसके लिए हम क्या कहते, हमारे सामने सामने किसी ने उसको कह दिया भगवान को क्यों इतना गाली देता है, कर्म का हिसाब किताब भी तो हर एक को अपना भोगना ही पड़ता है। उसको और गुस्सा आया, कर्म का हिसाब किताब मैं कहाँ मना करता हूँ, लेकिन वहाँ से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकता था, पहले ही लेना था। अब क्या कहते, आखिर हम तो वहाँ से चले गए। 8-10 दिन के बाद गुरुवार का दिन था, सोचा चलो बाबा का प्रसाद लेके जाते हैं, हो सकता है भाई की मानसिक स्थिति ठीक हुई हो। जैसे ही गए तो और कोई नहीं थे, वो और उसकी पत्नी दो ही बैठे थे।
हमें देखकर कहने लगा, आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। क्या हुआ? तो न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया, जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए। इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा फिर कि बहन जी मैंने किसी का बुरा नहीं किया था ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। सवाल उसका 10 दिन पहले था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और आज खुद ही जवाब देता है, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। भगवान कितना अच्छा है। और फिर इतनी अच्छी बातें करने लगा कि बहन जी आज मैं वही फ्लाइट में होता था, अवार्ड तो मिलना ही नहीं था, जीवन भी चला जाता था, लेकिन भगवान कितना अच्छा है, आज मुझे महसूस हो रहा है कि भगवान ने मुझे सबसे बड़ा अवार्ड दिया है, एक नया जीवन दान दिया है। जब ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने मुझे कहा, बहन जी ये 10 दिन मेरे कैसे गए हैं वो मैं बताऊं आपको, सबसे बुरे दिन गए ना मेरे गए। उसने तो भगवान को कितनी गाली दी होंगी पता नहीं है ना, लेकिन एक एक को बाहर ले जाकर के हाथ जोड़ जोड़ करके माफी मांगना पड़ता था, क्योंकि हर एक के अंदर सहन शक्ति एक जैसी तो नहीं होती थी। कभी कभी कई लोग इतने अपसेट हो जाते थे इनकी बातों से कि नाराज होकर के जाने लगते थे। मुझे एक एक को बाहर ले जाकर के हाथ जोड़ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी, आप इसकी बात का बुरा नहीं मानना, इस समय इसकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना। कहते मैंने अपने कर्मों के लिए इतनी माफी किसी से नहीं मांगी जितना इसके कर्मों के लिए माफी मांगनी पड़ रही है। मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन ये 10 दिन गए। इतना टेंशन हो जाता था मुझे, क्योंकि कई जगह संबंध खराब होने जैसी स्थिति आ जाती थी, उस सिचुएशन को संभालने में मुझे इतना स्ट्रेस हो जाता था, मैं क्या बताऊं। मैंने कहा बहन जी शुक्र करो कि समय ने 10 दिन के अंदर पर्दा खोल दिया कि क्या अच्छा समाया हुआ है। जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती है जिसका पर्दा समय 1 साल के बाद खुलता है। वो साल कैसा जाता है सिर्फ इस एक बात का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न होने कारण कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, इस बात का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न होने के कारण कितने दुखी होते हैं, कितनी गाली देते हैं भगवान को, कितना स्ट्रेस में आते हैं, कितने लोगों से संबंध खराब कर बैठते हैं, कितना गुस्सा चिड़चिड़ापन आता है, जबकि गीता में ये बात कही हुई है। कई लोगों ने घरों में लगाया होगा लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं। हर बात एक सवाल रहता है, वाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जबकि आंसर है उसके बावजूद भी। तो इसीलिए जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा है। अब ये काल चक्र को अगर देखें तो ये काल चक्र कैसे चलता है, उसको स्वास्तिका के रूप में दिखाया है। चारों भाग एक समान है, कब शुरू हुआ मालूम नहीं, जैसे दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ पता नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सुबह को माना जाता है। ऐसे ये काल चक्र भी कब शुरू हुआ पता नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सतयुग को माना जाता है। जहां स्वास्तिका का हाथ का पोजीशन ये है आशीर्वाद, जहां हर आत्मा ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में थी, ब्लेसेड सोल थी, सत्यता का युग जहां संपूर्ण सत्यता थी, सतो प्रधानता थी, इसी युग को दूसरे शब्द में कहा जाता सूर्य वंश। कि जैसे सूर्य की कलाएं संपूर्ण है ऐसे आत्माएं भी संपूर्ण अवस्था में थी, परफेक्ट स्टेज, स्टेज ऑफ परफेक्शन थी।
इसे युग के लिए बहुत सुंदर बात बाइबल में कही हुई है कि परमात्मा ने जब ये पहला पहर रचा था तो कैसा था। तो जेनेसिस चैप्टर 1 में कहा गया है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, कि जैसे परमात्मा सर्व गुणों में संपन्न है, ऐसी उसकी फर्स्ट क्रिएशन जो थी, पहला पहर जो था, वो भी संपूर्ण था। तो मनुष्य को ही मेड मैन इन हिज ओन इमेज, मनुष्य को अपनी कृति में बनाया। हर धर्म में ये लाइन किसी न किसी रूप से आती है। किसी ने कहा, हिंदू धर्म में कहा गया, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। क्योंकि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग में मनुष्य थे, इसलिए कहा कि मनुष्य को अपनी कृति में बनाया, नर से सो नारायण बनाया। इसलिए कहा जाता, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। भगवान को मनुष्य से देवता करने में कोई वार नहीं लगती है। तो हर धर्म में किसी न किसी रूप में ये बात कही हुई है। वो दुनिया कैसी थी, जहां संपूर्ण सतो प्रधानता, पवित्रता थी, प्रकृति के अंदर, पशु पक्षी और मनुष्य के अंदर, जहाँ के लिए कहा जाता शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। इतना अहिंसा का युग था, संपूर्ण सुख शांति, जहाँ हर प्रकार की समृद्धि हरेक के जीवन में थी। वो युग ऐसा था जहाँ पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है और कोई ना कोई देवी या देवता का रूप ले लेती है, और इस तरह से पूरी देवी दुनिया थी। उस दुनिया का राज्य करने वाला कौन था? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। कैसे पता चला कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य? तो श्री नारायण के साथ हमेशा शब्द जुड़ता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण। सत्य नारायण जो सतयुग के राज्य करता थे, सूर्य नारायण यानी जो सूर्यवंशी थे, संपूर्ण थे। लेकिन जैसे जैसे ये काल चक्र घूमता है और संसार में दूसरा भाग आता है काल चक्र का, त्रेता युग। त्रेता माना जहां थोड़ी त्रुटि आ गई, 16 कला संपूर्णता जो थी वो धीरे धीरे 14 कलाधारी बने। उस युग को कहा जाता है चंद्रवंश, जहाँ स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड पर नीचे आ जाता है, यानी उस परफेक्शन की स्टेज में नहीं, 2 कला कम हो गए, 16 कला से 14 कलाधारी बन गए। पवित्रता, सुख शांति, समृद्धि उस दुनिया के अंदर भी है, लेकिन सतयुग जितनी परफेक्शन वाली नहीं है। उस युग में राज्य करने वाले कौन थे? तो श्री राम और श्री सीता का राज्य था। कैसे पता चला कि श्री राम और श्री सीता का राज्य था? तो श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री रामचंद्र, सूर्य नारायण का। श्री रामचंद्र, नारायण के साथ नारायण चंद्र नहीं कहते, और श्री राम के साथ सूर्य राम नहीं कहते, रामचंद्र। इसलिए दिखाते कि श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, सूर्य का तिलक लगाते थे, परंतु जहां से श्री राम आए वहां से दूसरा युग प्रारंभ हो गया, जिस युग को कहा जाता त्रेता युग, या आज भी जिसको राम राज्य के रूप में लोग याद करते हैं और स्वप्न देखते हैं कि राम राज्य हो भारत। कि सतयुग जितनी परफेक्शन न भी ला सके, लेकिन कम से कम राम राज्य जैसा तो बनाए, जहां सुखी थी राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। यही गायन है कि सब सुखी थे जहां पर। लेकिन तब मनुष्य के मन में प्रश्न आता है
कि ये देवी देवताओं का जो दो युग चला, जिसके लिए भारत में पॉपुलेशन दिखाते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं थे, वो देवी देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो 16 कला से 14 कलाधारी बने, सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ी? कोई कर्म की बात नहीं है, लेकिन संसार के अंदर हर चीज एक ही स्थिति में नहीं पाई जाती है। विज्ञान के अंदर थर्मोडायनामिक्स का सेकंड प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एंट्रोपी, और लॉ ऑफ एंट्रोपी को डिफाइन किया गया है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। हर चीज पहले सुव्यवस्थित होती है, फिर अस्त व्यस्त हो जाती है। मकान नया बनाओ, खंडर अपने आप बन जाता है, खंडर बनाया नहीं जाता है। कोई भी चीज ऊपर से नीचे अपने आप आती है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है। और कोई भी चीज सदा स्थायी एक ही स्थिति में नहीं रह सकती है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी कितना दिन होता है? एक घड़ी। दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या की ओर यात्रा शुरू हो जाती है, और अमावस्या में कितनी देर? एक घड़ी। फिर से उसकी संपूर्णता की ओर यात्रा प्रारंभ रहती है। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है। और इसीलिए संसार में जो कहा जाता परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता है, कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। इसी तरह 16 कला संपूर्ण जो थे, क्योंकि 16 फिगर परफेक्शन का है। कोई बात 100% करेक्ट होती है तो क्या कहते, 16 आनी सच है। इसी तरह संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा 16 कला संपूर्ण, तो 16 फिगर परफेक्शन का है। और परफेक्शन प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे अमावस्या की ओर। तो ये कुदरत की एक नेचुरल चेंजिंग प्रोसेस है। तो सत्ययुग से त्रेतायुग थोड़ी त्रुटि जो आई, 2 कला कम हुई, त्रेता से द्वापर जहां स्वास्तिका का हाथ लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न हो जाता है। सत्ययुग में इस पोजीशन में था, द्वापर में जब आए तो ये पोजीशन हो गया। ये पोजीशन माना मांगना। सत्यता का युग, सत्य जहां है वहां एकता है, एकता का युग था। तो सत्ययुग त्रेतायुग को स्वर्गीय समय कहते हैं। सोने की चिड़िया थी भारत, यही गायन करते हैं। लेकिन जब द्वापर आया तो वो एकता समाप्त हुई। द्वापर यानी दोपुर आरंभ हो गया, सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा। और जब असत्य मिक्स होने लगता है तो क्लैशेस तो होते ही है, मतभेद शुरू होता है, लड़ाई झगड़ा आरंभ होता है। और उस मतभेद के कारण दुख और अशांति शुरू होती है। तब कहा जाता है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में करे तो दुख काहे को। यानी सत्ययुग और त्रेतायुग जो सुख का समय था, वहां किसी ने ईश्वर को याद ही नहीं किया। अगर वहां याद करते थे तो दुख काहे को होता था। इसीलिए द्वापर से दुख प्रारंभ हुआ, सत्यता और स्वर्ग का सुख यहां समाप्त हो गया। और जब दुख प्रारंभ होता है तो ईश्वर से मांगना शुरू करते हैं, हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु सुख दो, हे प्रभु ये दो वो दो, आनंद दो, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, मांगना शुरू करते हैं। इसीलिए उसका पोजीशन यही है मांगने का। अब जब मांगना आरंभ करते हैं, दुख आरंभ हुआ, परमात्मा का परिचय नहीं है, परमात्मा कौन है मालूम नहीं। इसीलिए जो देवी देवताएं होकर के गए थे, उसकी मेमोरीज जो ताजा थी, उसी को भगवान मान लिया।
जिस तरह आज की दुनिया के अंदर कई संतों के भी मंदिर बनते हैं, और अगर पूछा जाए कि ये संत तो हमारे जैसे मनुष्य ही थे, इसी युग में हुए, उनके मंदिर क्यों बनाए गए, तो लोग क्या कहते हैं, हमसे वो श्रेष्ठ थे। शिरडी के साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, लेकिन आज उनके मंदिर बनते हैं, थे तो हमारे जैसे ही, इसी युग में पैदा हुए, फिर उसके मंदिर क्यों बन रहे हैं, तो लोग यही कहते हैं हमसे वो श्रेष्ठ थे। इसीलिए इसी तरह द्वापर युग में जो आत्माएं आई उनसे श्रेष्ठ वो सतयुग और त्रेता युग के देवी देवताएं श्री राम, श्री सीता, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, तो उनको ही भगवान बना करके, उनके मंदिर बना करके उनकी पूजा करना आरंभ किया। और इस तरह से द्वापर युग के अंदर जहां दुख शांति शुरू हुई, जहां मनुष्य आत्माएं अपने ही कर्मेंद्रिय का गुलाम बना, तो उस पूज्य अवस्था से पुजारी बन गया और अपने ही पूर्वजों के मंदिर को बना करके पूजा करना आरंभ कर दिया, क्योंकि जो श्रेष्ठ स्थिति थी उससे नीचे उतर गए, देह अभिमान के वश हो गए, अहंकार के वश हो गए, और इसी युग में शास्त्र का निर्माण हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, पूजा के विधि विधान बनाए गए, रीत रस्म रिवाज बनाए गए, और इस तरह से द्वापर युग चलने लगा। भगवान का आने का वक्त नहीं था, क्योंकि अभी तो दुख प्रारंभ हुआ, इसलिए उनका आने का वक्त नहीं था। इसलिए इस समय में कुछ महान आत्माओं को इस संसार में भेजा गया। कई लोग कहते हैं कि इस संसार में इसी समय में श्री कृष्ण भी तो आते हैं गीता का ज्ञान सुनाने के लिए। अगर श्री कृष्ण आए द्वापर युग में जब दुख प्रारंभ हुआ तभी और गीता का ज्ञान दिया, तो गीता में जब ये कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं अवतरित होता हूं, भगवान वाच, तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, तो क्या गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई? अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करनी थी तो कलयुग तो घोर अधर्म का युग हुआ, तो गीता के ज्ञान से क्या घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई? क्या आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है? लेकिन उस समय में क्योंकि भगवान का आने का वक्त नहीं था, वो तो घोर अधर्म के समय पर आता है, और घोर अधर्म का समय कौन सा? कलयुग है।